नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डार्क रूम प्रोसीजर। ये सब्जेक्ट है डीआरटी फर्स्ट ईयर। किसकी? डीआरटी फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ईयर में चार सब्जेक्ट्स हैं। कौन सी है? पहली सब्जेक्ट है अपनी, कौन सी है पहली? एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। दूसरी अपनी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तीसरी है अपनी रेडियोग्राफी फर्स्ट। और फोर्थ अपनी सब्जेक्ट है, वो है डार्क रूम प्रोसीजर। अपन देखेंगे कि डार्क रूम प्रोसीजर होता क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? डार्क रूम प्रोसीजर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें जो पेपर है वो हमारे 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? 100 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का पेपर आएगा? क्या है सर आज, कौन सा सब्जेक्ट है? डार्क रूम प्रोसीजर। डार्क रूम प्रोसीजर में अपना एक पहला जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, किससे कर रहे हैं? कैसेट से। किससे कर रहे हैं? कैसेट से। तो अपन कैसेट स्टार्ट करेंगे आज। क्या करेंगे अपन? कैसेट। ठीक है, तो पेपर कितने नंबर का आएगा अपना डार्क रूम का? 100 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, अपन को 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 7। और अपन को उनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन। कितने का अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन। अब अपन को देखना है कि कितने नंबर के क्या रेशो रहता है। 20 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, और 10-10 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन बोलते हैं ब्रीफ नोट्स, यानी विस्तृत रूप में कोई भी एक टॉपिक का नाम दे दिया अपन को, उसके बारे में अपन को लिखना है। जैसे अपन को किसी भी रूप में दे दिया, जैसे अपन को सिल्वर रिकवरी लिखनी है। क्या? जैसे अपन को दे देंगे सिल्वर रिकवरी, तो उसके बारे में अपन को शॉर्ट नोट ब्रीफ नोट लिखना है 10 नंबर। यह 5-5 नंबर का आता है शॉर्ट नोट। जैसे मैंने आपको फिजिक्स जब मैं पढ़ा रहा था, तो फिजिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिक्स में मैं एक्सेटिव पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ाया था मैंने स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो जो स्पेस चार्ज इफेक्ट है वो अपन को पूछ लेगा 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का अपन। और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, मेजर क्वेश्चन, वो आएगा अपना 20 नंबर का, जिसमें अपन को कम से कम 7 से 8 पेज अपन को फिल करने होंगे। इतनी लेंथ ही आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन अपन को जब 7 से 8 पेज फिल करेंगे तब अपन को वो कितने नंबर देगा? 20 नंबर। आ गई समझ में? ठीक है, पेज भरने से कोई मतलब है, उसमें क्वालिटी मैटर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी मैटर भी होना चाहिए। ये आ गई समझ में? 20 नंबर। अपन लगभग 7 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन अपने आते हैं 20 नंबर। 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन। और 10-10 और 20-20, 10-10 और 5-5 नंबर के जो शॉर्ट नोट आएंगे उनको अपन को बांट देगा वो। या तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का देगा, उसमें 10-10 नंबर के दो ब्रीफ नोट दे देगा। एक क्वेश्चन 20 नंबर का दे देगा, उसमें 5-5 नंबर के 4 शॉर्ट नोट दे देगा। ये आ गई समझ में? आपके पेपर का पैटर्न आपके आ गया समझ में कि नहीं आया, बताओ? ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अब अपन चलेंगे कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। क्या चलेंगे? कौन कौन से अपने टॉपिक अपन को पढ़ना। पहले जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन कैसेट। क्या पढ़ेंगे अपन? पहला टॉपिक कैसेट पढ़ने वाला है। ठीक है, पेपर का शेड्यूल समझ में आ गया। कितने नंबर का पेपर आएगा, कैसे अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितना फिल करना है। 5 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा, 10 नंबर का ब्रीफ नोट आएगा, और 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अपना इसमें जो डार्क रूम है, डार्क रूम क्या काम में आएगा अपने? अपना जो काम है वो अपन बनेंगे एक्सरे टेक्नीशियन। क्या बनेंगे अपन? एक्सरे टेक्नीशियन। जो डार्क रूम प्रोसीजर है वो आता है अपने एक्सरे, जो अपन रेडियोग्राफ लेते हैं उसके बाद अपन प्रोसेस करते हैं। किस में करते हैं प्रोसेस? उसका नाम है डार्क रूम। डार्क रूम का मतलब क्या होता है? एक अंधेरा कमरा। क्या होता है डार्क रूम का मतलब? डार्क रूम का मतलब होता है एक अंधेरा कमरा। ठीक है, अब अपन क्या काम आएगा डार्क रूम, दोबारा से इसको समझेंगे। पहला नंबर, जब अपन एक्सरे मशीन से क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे। किसको? पेशेंट को। पेशेंट को एक्सपोज कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे? एक्सरे रूम में। जैसे अपन हैंड का एक्सरे लेना है, अपन को किसका एक्सरे लेना है? अपन को लेना है हैंड का एक्सरे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? कैसेट लेंगे। कैसेट अपने काम में क्या आने वाली है? कैसेट किसको रखती है? फिल्म को अपने कंटेन रख, फिल्म को अपने बचा के रखती है, सेफ रखती है। किसको? फिल्म को। फिल्म को कहाँ रखते हैं अपन? कैसेट के अंदर रखते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे डार्क रूम प्रोसीजर में, अगर बताऊं, सबसे पहले कैसेट लेंगे। कैसेट के अंदर क्या भरेंगे? फिल्म रखेंगे। फिल्म को एक्सरे रूम में ले जाएंगे, पेशेंट को लाएंगे।
पेशेंट का जो भी बॉडी पार्ट्स है उसका क्या लेना, अपन को एक्सरे लेना, उस बॉडी पार्ट्स को कॉन्टैक्ट में रखेंगे किसके, कैसेट के, ठीक है। कैसेट को एक्सपोज करेंगे, फिर अपन एक्सपोज करके आगे का जो प्रोसेस है वो अपना किस में रहने वाला है, वो प्रोसेस रहेगा अपना डार्क रूम। हालांकि फिलहाल की कंडीशन में जो वर्तमान सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग डार्क रूम बंद है, आजकल डार्क रूम सिस्टम नहीं चल रहा है, आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया। क्या आ गया? डिजिटल। आजकल डार्क रूम का ज़माना जा चुका है, ठीक है। जिसमें अपन को पहले डार्क रूम ज़माना कौन सा था, जिसमें पेशेंट को दे देते थे लगभग आधा घंटा सुखाने के लिए लगता था, जो फिल्म होती थी अपनी उसको सुखाने के लिए लगता था, पेशेंट को दे देते भले तू सुखा ले फिर बाद में डॉक्टर साहब को दिखा लेना, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसमें अपन को क्या है, डिजिटल ही हो गया, सब जमाना डिजिटल ही हो गया। आजकल देखो इतना सा बच्चा भी होगा ना उसके पास भी कीपैड फ़ोन नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन, क्या मिलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन। तो सारा ज़माना डिजिटल ही हो गया, तो हमने कहा हमारा एक्सरे क्यों ना हो डिजिटल, इसलिए हमने भी अब डिजिटली सिस्टम कर दिया है, ठीक है। अब अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, किसका, एक्सरे डार्क रूम प्रोसीजर में अपना टॉपिक है कैसेट। क्या नाम है अपने टॉपिक का, नाम क्या है, कैसेट। क्या है कैसेट, क्या पढ़ेंगे कैसेट। तो कैसेट क्या होती है, कैसेट एक बुक लाइक स्ट्रक्चर, कितनी है, कैसी है कैसेट, क्या है कैसेट, एक बुक लाइक स्ट्रक्चर है, बुक के समान स्ट्रक्चर है। जैसे अपनी ये किताब है, देखो ये क्या है, ये किताब, मैंने तुमको बता दिया कैसेट क्या काम आएगी, अभी बता दिया क्या काम आएगी, वो आपको एक ओवरव्यू रखना है, अपने दिमाग में अंदर रखना है कैसेट अपने ये काम आने वाली है। कैसेट सेम ऐसी होती है, कैसी होती है, ये अपनी क्या है, माना ये कैसेट है, इसमें क्या होता है, ये बुक की लाइक तरह ही, बुक की तरह ही क्या होगी, ओपन होगी, कैसे ओपन होगी, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होंगे, इसमें स्ट्रेच वो होंगे जो अपन बोलते हैं प्लग, वो जो भी अपन बोलते हैं उनको बंद करने के लिए, ठीक है प्लग, उसमें क्या करेंगे अपन यहाँ से उनको खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद दो पार्ट में बटेगी, कितने पार्ट में, दो पार्ट, इसके बीच में ये जो सरफेस हैं ये अपन जब लेयर्स पढ़ेंगे, किसकी, कैसेट की लेयर्स, तो अपन को देखेंगे कि ये जो इधर और उधर की जो लेयर्स हैं उनको बोलते हैं अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसके बीच में क्या रखते हैं अपन, एक्सरे फिल्म रखते हैं और इसको दोबारा से बंद कर देते हैं, और इनका जो स्क्रैचेज है उनको बंद कर दिया जाता है। ये आई कि नहीं आई समझ में डार्क रूम, ठीक है। अब अपने कैसेट में पढ़ेंगे अपन, कैसेट क्या होती है, कैसेट की डेफिनेशन अपन को क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या लिखना है। तो कैसेट क्या होती है, कैसेट इज ए रिजिड होल्डर, कैसेट इज ए रिजिड होल्डर, रिजिड होल्डर का मतलब होता है रिजिड, रिजिड क्या होता है अपना, रिजिड, रिजिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मजबूत, क्या है अपन देखें होल्डर, होल्डर अपन नॉर्मली जो अपनी देसी लैंग्वेज है उसको होल्डर को क्या कहते हैं, लट्टू का होल्डर, नहीं देखे लट्टू नहीं लगाते गाँव में, क्या देखते हैं कि होल्डर लाओ। तो सेम ये किसके रूप में होल्डर करती है, ये करती है फिल्म को होल्ड, किसको करती है, फिल्म को होल्ड। लट्टू को कौन करता है अपने, जो बल्ब होता है उसको होल्डर, ब्लैक कलर के ऊपर होल्डर नहीं आता वो, सेम ऐसे ही ये जो करेगी काम, कैसे क्या काम करेगी अपन को, फिल्म को होल्ड करने का, क्या काम करेगी, फिल्म को होल्ड करेगी। ये आई समझ में कि नहीं आई बताओ, ये आ गई समझ में, फिल्म को होल्ड करेगी। तो कैसेट इज ए रिजिड होल्डर, क्या है देख, कैसेट इज ए रिजिड होल्डर दैट कंटेन, दैट कंटेन क्या, द एक्सरे फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग, क्या है, कैसेट एक मजबूत होल्डर है जो कि किसको रखती है अपने पकड़े सेफ, किसको रखती है, फिल्म को, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, किसको रखी, फिल्म को। ये आई समझ में कि नहीं आई डेफिनेशन, डेफिनेशन आ गई समझ में। अब अपन देखेंगे ये किस किस लेयर्स की बनी हुई थी, कैसे कैसे अपनी बनी हुई होती है। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट, क्या देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट क्या देखेंगे अपन, अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट। स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट देखेंगे कैसे कैसे ये बने होते हैं। जैसे ये देखो बुक है, इसमें लेयर से पन्ने ऐसे ही उसमें होते हैं, अपन पांच लेयर से बन के बनी होती, कितनी लेयर से, पांच लेयर से मिलकर क्या बनी होगी अपनी, कैसेट। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसी होती है अपनी, जो अपना ऊपर ही ऊपर की लेयर है, क्या है,
ऊपर ऊपर की लेयर, उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट लेयर। क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट लेयर। ऊपर ऊपर की जो लेयर है उसको फर्स्ट लेयर। ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है कार्बन या एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। दूसरी जो अपनी लेयर है, कौन सी दूसरी जो अपनी लेयर है? ये होती है फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। कौन सी होती है? क्या होती है? फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, अब इसके बीच में क्या रखेंगे अपन? एक्सरे। क्या रखेंगे अपन? रखेंगे कि नहीं रखेंगे एक्सरे फिल्म? माना ये अपनी क्या है? एक्सरे फिल्म। इसके बाद अपनी होती है वैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या होती है? बैक इंटेंसिफाइंग। क्या होती है? ये फ्रंट होगा और ये बैक, इसके बीच में। इसके बाद अपन लेते हैं इसमें एक फोम लैग सबस्टेंस। एक एक का मैं वर्किंग बताऊंगा, ये क्या काम करता है, इसको अपन क्यों लेते हैं, ये कैसे की स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये क्या है? फ्रंट बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसके बाद अपन लेते हैं एक फोम लैग सबस्टेंस। क्या है फॉर्म लैग सबस्टेंस? क्या है ये? फॉर्म लैग सबस्टेंस। इसके बाद अपन लेंगे वैक हैवी मेटल कवर। क्या लेंगे इसके बाद? वैक हैवी मेटल कवर। क्या लेंगे? अब ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ कैसे, ये फर्स्ट लेयर हो गई अपनी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये फिफ्थ लेयर। क्यों बताई मैंने? क्यों? क्योंकि अपन जो ये लेते हैं ना एक्सरे फिल्म, ये अपन बाहर से लगाते हैं, नहीं कि ये कैसेट में ही रहता है। लेकिन अगर अपन इसको भी किस में ही लगाएंगे? अपन लगाएंगे तो फिल्म में, तो उसके सहित अपन देख रहे हैं। लेकिन जो स्पेशली अगर हम फिल्म से अलग करते हैं कैसेट को, तो कैसेट की पाँच ही लेयर आ गई। आपकी बात समझ में कि नहीं आई? ये लेयर, ये कौन सी थी? कार्बन या एल्यूमिनियम लेयर। ये किसकी बनी हुई होती है? ये दूसरी लेयर होती है। ये बनी हुई होती है फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या थी ये? फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये क्या थी? कार्बन लेयर। क्या थी ये? ये लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है। किसकी? ये क्या थी अपनी? एक्सरे फिल्म थी। ये क्या थी? वैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या थी? वैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये क्या थी? फोम लैक एक सबस्टेंस लिया था, फोम लैक सबस्टेंस। और ये क्या था अपना? वैक हैवी मेटल कवर। क्या था ये? ये आई संबंध में कि नहीं है? ये अपनी लेयर। अब अपन देखेंगे एक एक लेयर का, क्या देखेंगे अपन? वर्किंग देखेंगे, क्या काम अपनी आ रही है एक एक लेयर। जो अपनी फ्रंट कार्बन लेयर है, ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर। क्या है ये? फर्स्ट जो लेयर है, ये क्या करता है? ये जो फर्स्ट लेयर है, ये एक लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लो एटॉमिक। और अपन देखते हैं, मैंने क्या कहा था कि अपनी जो कैसेट है वो अपन बॉडी पार्ट्स के नीचे लगते हैं या फिर ग्रिड में रखते हैं नीचे, टेबल के नीचे। तो अपन क्या देखते हैं, जो ये रेडिएशंस है, जो फ्रंट तो है, ये क्या है? लो एटॉमिक नंबर की बनी हुई है। ये क्या करेगी? जो अपना हैंड के ऊपर से क्या आएगी? एक्सरे आएगी, नीचे से गुजरेगी। जो अपनी लो एनर्जी की एक्सरेज हैं, उनको क्या कर लेगी ये लेयर? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी ये लेयर? एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे क्या होगा? लो एनर्जी की जो एक्सरेज हैं, वो अपनी इमेज, बॉडी इमेज में कोई काम नहीं आती। वो क्या होगी? या तो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, या फिर ये इसमें ही बीच में ही रुक जाएगी। ये क्या करती है? अपना वो बनाती है, ब्लरनेस बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? ब्लरनेस बढ़ाएगी इमेज में, इमेज क्वालिटी को ये ख़राब कर देगी। तो फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर किसकी बनी होती है? फर्स्ट लेयर अपनी कार्बन या एल्यूमिनियम के लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है, जो कि एक तो नंबर एक बात, कैसेट को क्या प्रदान करेगी? सेफ्टी, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी ऊपर से। और एक जो लो एनर्जी की जो एक्सरेज है, जो अपने इमेज फॉर्मेशन में कोई भी वर्किंग नहीं कर रही है, उसकी उसमें काम आएगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये आई समझ में कि नहीं आई? अब अपन आते हैं फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अपन इसके बाद कैसेट के बाद अपन पढ़ेंगे क्या? कैसेट के बाद जो अपना चैप्टर है, उसके बाद अपन कैसेट के बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक चैप्टर, उसमें अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे। किसको? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। लेकिन अब अपन इसको शॉर्ट में देखते हैं। किस में देखते हैं? शॉर्ट में। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फॉस्फर यूज होता है बनाने के लिए। क्या होता है? फॉस्फर। ये क्या काम करेगी?
अपन हमेशा क्या चाहते हैं कि अपन क्या कहें, कम इनपुट दें। अपन क्या चाहते हैं कि कम इनपुट दो, और हम चाहते क्या हैं हमारे ज़्यादा आए, हमको क्या है ज़्यादा। अपन क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स पे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, यार हम पढ़ तो कम लें लेकिन हमारी परसेंटेज 95-90 बन जाए। क्या चाहते हैं अपन, अच्छी बन जाए। अपन ये चाहते हैं अपन डबल मेहनत, तो अपन 50% के बराबर कर रहे हैं और अपन चाहते क्या हैं कि हमारी 100% बन जाए। तो अपन इसमें क्या करते हैं, अपन क्या चाहते हैं कि जो एक्सरे आते हैं, क्या आते हैं, जो ऊपर से जो एक्सरे फोटोन्स आते हैं, हम चाहते हैं कि वो डबल हो जाएं। क्या चाहते हैं अपन, डबल हो जाएं। अपन क्या चाहते हैं, इनपुट तो कम देना चाहते हैं लेकिन जो आउटपुट है वो अपन क्या चाहते हैं, ज़्यादा। तो जो अपनी एक्सरे फोटोन्स है वो अपन चाहते हैं कि हमारे जो एक्सरे फोटोन्स है वो अपन को क्या हो, ज़्यादा प्राप्त। तो अपन क्या होते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के यूज़ में लेते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है, जो अपने एक्सरे फोटोन्स हैं उनको लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। लाइट फोटोन में तो कन्वर्ट करती है, उसके अलावा ये डबल लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। जैसे कि अपन एक्सरे के 5 एक्सरे फोटोन आए तो उनको 10 लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगी। किसमें, 10 लाइट फोटोन में। 10 लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इसके बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बाद ये लाइट फोटोन कहाँ जाएंगे, एक्सरे फिल्म, और एक्सरे फिल्म को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोज। अगर अपने पास 5 ही एक्सरे फोटोन इसको एक्सपोज करते तो कम एक्सपोज होती ना, अपन को ज़्यादा रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हमने क्या है, यही एक सिस्टम लगा दिया जिससे जो अपने एक्सरे फोटोन थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। क्या हो गए, डबल हो गए। जैसे अच्छे से अपनी क्या हो गई, एक्सरे फिल्म क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। ये आई समझ में कि नहीं आई, बताओ। फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आएगी, ये किसकी बनी हुई होती है, फोस्फर की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, ये क्या करेगी, जो अपने एक्सरे फोटोन से उनको डबल लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगी। कितनी, किस में करेगी, डबल लाइट फोटोन। किसकी बनी होती है, फोस्फर। ये आया समझ में कि नहीं आया। अपनी आती है नेक्स्ट एक्सरे फिल्म, जिसको अपन एक्सपोज करते हैं। क्या करते हैं अपन, एक्सपोज करते हैं। ये किसकी बनी हुई होती है, ये होती है AGBR की। किसकी बनी हुई होती है, ये अपने AGBR की बनी हुई होती है। किसकी, AGBR। इस पे क्या होता है, इमल्शन लेयर होती है जिस पे AGBR के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, बिखरे टाइप में लगाते हैं अपन, ठीक है, और उसको कवर्ड कर देते हैं AGBR। AGBR क्या होगा, जब अपनी एक्सरे आएगी, इसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको एक्सरे फिल्म बताऊंगा। एक्सरे फिल्म भी अपना एक अलग से टॉपिक है, इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे। एक्सरे फिल्म हुई एक्सपोज की नहीं हुई, किससे हुई, लाइट फोटोन से। किससे एक्सपोज हो गई, लाइट फोटोन से। अब अपने जो एक्सरेज हैं, अब अपने एक्सपोज कहाँ जाएंगे, बैक इंटेंसिफाइंग। अपन को क्या है यार, जब हमारे यहाँ इंटेंसिफाइंग लगा दी तो यहाँ लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वो तो एक साथ लेके जो बचे हुए एक्सरे फोटोन्स हैं जो सीधे आ गए जो कि कन्वर्ट नहीं हुए, या फिर जो लाइट फोटोन्स हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए, उनको क्या करेगी, ये दोबारा से क्या कर देगी, कन्वर्ट हो कर देगी। ये क्या करेगी, जो एक्सरे फोटोन्स है उनको डबल लाइट फोटोन में करके नीचे से जो एक्सरे फिल्म है उसको क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी। क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी। तो अपनी जो एक्सरे फिल्म है वो दोनों साइड से एक्सपोज हुई कि नहीं हुई, बताओ, हो गई। उसके बाद अपन, उसके बाद अपना आता है एक फॉर्म लैग सब्सटेंस। फॉर्म लैग सब्सटेंस क्या होता है, जैसे अपन कोई भी सामान नहीं खरीदते क्या, जैसे अपना ऑनलाइन अपन फ्लिपकार्ट या फिर उससे शॉपिंग करते हैं, तो जो अपना सॉफ्ट जो सामान आएगा उसके सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, एक सफ़ेद सफ़ेद से वो दानेदार क्या लगाते हैं, एक फोम भेजते हैं। देखे होगा आपने, समझ गए ना, वो फोम भी इसमें यूज़ करते हैं। अब अपन करते हैं फोम क्यों यूज़ करते हैं, देख क्या देखते हैं अपन, फोम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये बहुत ही एक सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है, सॉफ्ट मटेरियल। और अपन नहीं चाहते कि ये जो बैक हैवी मेटल कवर है इससे ये कॉन्टैक्ट में आए और ये ख़राब हो, क्या हो, ये ख़राब हो। तो अपन क्या चाहते हैं कि इसके बीच में एक फोम लैग सब्सटेंस लगा देते हैं, वो सफ़ेद कलर का, ठीक है। उससे क्या होगी, दो काम करेगा, एक तो क्या करेगा, इनके बीच में जो गैप है उसको क्या करेगा, कवर्ड करेगा, तो उसका मोशन नहीं होगा, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं होगी। दूसरा काम क्या करेगा, ये दूसरा काम करेगा कि इनको और इनको दोनों स्लिपिंग टेक्नोलॉजी, स्लिप होने से बचाएगा, रगड़ने से, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगी और लंबे समय तक अपनी कैसेट बची रहेगी। ये आई समझ में कि नहीं आई, बताओ। फॉर्म लैग सब्सटेंस अपना क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं बैक हैवी मेटल कवर। अब अपन देखेंगे कि ये बैक हैवी मेटल कवर का ही क्यों लिया, अपन एक पतला सा पन्ना भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे, पतला पन्ना भी लगा देते, अपनों खर्चा भी कमाता। लेकिन सबसे पहले तो इसका जो काम है वो अपन कैसेट दोनों साइड से कवर्ड होगी, कैसेट को हैंडलिंग से बचाएगा। जैसे अपना हाथ लग गए, अगर अपन, मैं कह रहा हूँ कागज़ अपन यूज में ले लेते, फट नहीं जाता वो कागज़, इसलिए अपन क्या लेते हैं,
वैक हैवी मेटल कवर, कैसे भी रख दो, कैसे भी अपन गलती से गिर भी जाए तो भी ना टूटे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, हैवी मेटल कवर लेते हैं। एक तो इसका क्या हो गया, यूज हो गया, ये हाई एल कॉपर या कॉपर का या ऐसे मेटल का हैवी मेटल का बनाते हैं अपन, ठीक है, आयरन लोहे का ऐसा बड़ा। एक काम तो क्या हो गया, कैसेट को हैंडलिंग से बताएगा, हैंडलिंग करेगा, सेफ्टी रखेगा कैसे। दूसरी, जो अपने अपनी जो रेडिएशन, जो हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस अपनी आएंगी वो क्या करेंगी, जो अपनी हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस आएंगी वो क्या करेंगी, वो सीधी ना निकले। अगर वो सीधी निकल गई तो वो क्या करेंगी, पेशेंट डोज बढ़ाएंगी, क्या बढ़ाएंगी, पेशेंट को डोज बढ़ाएंगी। और पेशेंट आप जानते हो रेडिएशन पेशेंट के लिए कितनी खतरनाक होती है, ये क्या, मैंने जब एक्सरे पढ़ाया था आपको तो एक्सरे में मैंने बताया था कि जो एक्सरे ये क्या कर देती है, बायोलॉजिकल इफेक्ट कर देती है, क्या कर देती है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, और सेल को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो अपन ये एक भी बिल्कुल नहीं चाहते कि पेशेंट को अलावा एक्स्ट्रा डोज लगे, बेकाम की डोज पेशेंट को लगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन इसको वैक हैवी मेटल कवर का बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये जो रेडिएशंस होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे पेशेंट डोज और वर्कर डोज नहीं बढ़ेगा। अब बताओ कैसेट की लेयर समझ में आई कि नहीं आई, हर एक कैसेट की वर्किंग समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, नहीं आई हो तो दोबारा पूछो, ठीक है। तो अपन ने कार्बन लेयर क्यों ली, क्योंकि एक तो सेफ्टी करेगी और ये लो एटॉमिक नंबर की बनी हुई होती है, जिससे जो लो रेडिएशन होंगी, लो एनर्जी के उनको एब्जॉर्व कर लेंगी। और दूसरी जो अपन ने क्या ली थी, फ्रंट इंटेंसिफाइंग, ये क्यों ली थी अपन ने, जमाना क्या चाहता है, जमाना चाहता है कि कम दूँ और ज़्यादा लूँ, क्या चाहता है जमाना, हमेशा चाहता है, नहीं चाहता बताओ, हमेशा हर किसी का हनन करना चाहता है कि यार मैं इसको दूँ तो कम और ज़्यादा लोग, तो वही सिस्टम है। तो अपन भी ये चाहेंगे कि अपन यार जो एक्सरे फोटोन्स हैं वो क्या हैं, कम अपन लोड देना पड़ेगा अपन को मशीन को, लेकिन यहाँ अपन चेंज कर देंगे, डबल लाइट फोटोन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए अपन ने क्या ली, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में यूज ली। ये आई समझ में कि नहीं आई बताओ। एक्सरे फिल्म अपनी किसकी बनी होती है, AGBR की बनी होती है, ये क्या करेगी, एक्सपोज होगी और एक्सपोज होने के बाद इमेज फॉर्मेशन में काम आएगी। फिर अपने बैक इंटेंस में ये सेम है, ये जो एक्सरे फोटोन डायरेक्ट आ गए थे उनको दोबारा से रिफ्लेक्ट करके लाइट फोटोन में, डबल लाइट फोटोन में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। इसके बाद अपन ने क्या लिया था, फोम लाइक सब्सटेंस, जो कि फोम का बना होता है, जो कि जो उनके सेफ है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और वैक हैवी मेटल कवर के बीच जो स्पेस है उसको फिल करती है और स्क्रैचिंग से बचाती है। ये आई के समझ में नहीं आई, स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट क्या हो गई अपनी, एक टॉपिक क्या हो गया अभी, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसेट का जो टॉपिक है ये कितने नंबर में आएगा अपना, 20 नंबर में। तो ये अपन को कंप्लीट करना, ठीक है, ये आ गई समझ। अब अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, अपन ने कैसेट देख ली, कैसेट की डेफिनेशन देख ली, कैसेट की स्ट्रक्चर देख ली, अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे कैसेट के, अपन पहले देखेंगे कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग, क्या देखेंगे अपन, कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग। सबसे पहले अपन देखेंगे कैसेट की लोडिंग, क्या देखेंगे, लोडिंग और अनलोडिंग, ये क्या हुआ, कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग देखेंगे, ये क्या हुआ, कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग अपन जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अरे भाई सामान को लोड करते हैं, क्या करते हैं अपन, सामान को लोड, क्या देखते हैं भाई सामने अपन जैसे रास्ते में जाते हैं ट्रक लोड हो रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही सेम अपनी कैसेट में भी लोडिंग करेंगे, किसकी लोडिंग करेंगे अपन कैसेट में, एक्सरे फिल्म की, किसकी, एक्सरे फिल्म की लोडिंग करेंगे। तो सेम क्या प्रोसेस रहेगा एक्सरे फिल्म की लोडिंग की, सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, डार्क रूम में जाएंगे। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा डार्क रूम क्यों यूज में लिया अपन ने, डार्क रूम के बजाय तो अपन बाहर में जो कमरा था उसमें जो नॉर्मली अपना कमरा होता है उसमें भी अपन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन डार्क रूम क्या करें, जो अपनी ये एक्सरे फिल्म तो मैंने बताई थी ना तुमको, क्या बताई थी, एक्सरे फिल्म क्या होती है, ये जो नॉर्मल लाइट है ना अपनी, इससे क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, क्या हो जाती है, इससे एक्सपोज हो जाती है, और जब पहले ही एक्सपोज हो जाएगी तो बाद में अपन फिर उसका करेंगे क्या, वो पहले ही ख़राब हो जाएगी, इसलिए अपन ने क्या किया, डार्क रूम का यूज़ किया। किसका है, डार्क रूम मतलब अंधेरा कमरा। अब अपन ने देखा यार जब अंधेरा कमरा है तो उसमें अपन को दिखेगा क्या, उसके लिए अपन ने सेफ लाइट डेवलप की, क्या की, सेफ लाइट क्या होती हैं, उजाला तो करती हैं, वो क्या करती हैं, उजाला करती हैं, लेकिन उसके जो रेज हैं विकिरण हैं वो अपनी एक्सरे फिल्म को क्या नहीं करती, एक्सपोज नहीं करती, क्या नहीं करती, एक्सपोज नहीं करती। तो इसलिए अपन क्या यूज में लेते हैं डार्क रूम के अंदर,
सेफ लाइट यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? सेफ लाइट। अपन सबसे पहले डार्क रूम में जाएंगे, सेफ लाइट क्या करेंगे? ऑन करेंगे। क्या करेंगे? सेफ लाइट ऑन करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? ओपन द कैसेट, कैसेट को खोलेंगे और फिल्म निकालेंगे। किसमें के अंदर प्रोसेस हो रही है? डार्क रूम के अंदर। ओपन द कैसेट, फिर फिल्म उसमें क्या करेंगे? सेव करेंगे। फिल्म रखने के बाद दोबारा बंद कर देंगे किसको? कैसेट को। बंद करने के बाद फिर कैसेट को अपन कहाँ ले जाएंगे? एक्सरे रूम में। कहाँ ले जाएंगे? एक्सरे रूम में ले जाने के बाद उसका क्या करेंगे? फिर एक्सपोज करेंगे। क्या करेंगे? जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको क्या कर लेंगे? एक्सपोज कर देंगे। यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो क्या थी? लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग का कैसेट क्या थी? यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस बताई थी, क्या बताई थी? जो भी मैंने यहाँ तक प्रोसेस बताई थी, ये थी लोडिंग। कैसेट की क्या थी? ये लोडिंग थी। क्या थी? लोडिंग थी। लोडिंग आ गई समझ में। अब अपन क्या करेंगे कैसेट को? अनलोडिंग कैसे करेंगे? डार्क रूम में जाएंगे। क्या करेंगे? डार्क रूम में जाएंगे, क्लिप खोलेंगे उसकी, दोनों कैसेट की क्लिप नहीं थी, क्लिप्स खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। अब अपनी क्या है, अपन जो हैंड उसमें जो कैसेट है ना अपनी, कैसेट के अंदर क्या है? फिल्म है। फिल्म को अपन हैंड से टच नहीं करेंगे। हैंड से टच क्यों नहीं करेंगे? अगर अपनी स्क्रैचिंग आ गई तो उसको क्या हो जाएगी? फिल्म खराब हो जाएगी। तो खोलने के बाद सबसे पहले अपन हैंगर होते हैं अपने। क्या होते हैं? हैंगर। अब मैं बताऊंगा हैंगर कैसे होता है। ये होते हैं अपने हैंगर। देख, क्या होते हैं अपने हैंगर? हैंगर क्या होते हैं? ये अपना एक हैंगर है। क्या है? ये अपना एक हैंगर है, ठीक है। इससे क्या करते हैं अपन, ये अपने हाथ से पकड़ने का, इसको क्या करते हैं? इसके चारों कोनों पर क्या होती है? क्लिप्स होती हैं। क्या होती हैं? अपन एक्सरे फिल्म लेंगे और इसमें सेट कर देंगे। किसमें? इसमें सेट कर देंगे। किसमें कर देंगे? इसमें सेट कर देंगे। किसको? एक्सरे। और चारों क्लिप्स को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और इससे अपन ऊपर पकड़ लेंगे। ये होता है हैंगर। और ये थी अपनी, क्या थी? ये सफ़ेद सफ़ेद जो वाइट है, ये क्या है? एक्सरे फिल्म। जो मैंने ये सफ़ेद कलर से प्रिंट किया, ये क्या है? एक्सरे फिल्म है। और ये क्या अपना हैंगर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? कैसेट को खोलेंगे, फिल्म को लेंगे, हैंगर में लगाएंगे, हैंगर को पकड़ेंगे, फिर करेंगे इसको डेवलप। क्या करेंगे? डेवलप। डेवलप कहाँ करेंगे अपन? डार्क रूम में। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये प्रोसेस समझ में आ गई? ये अनलोडिंग की प्रोसेस अब तक जो अपन, और फिर क्या करेंगे अपन डार्क रूम में? प्रोसेस करेंगे। ये क्या अब तक, अब जो मैंने बताई लोडिंग के बाद जो प्रोसेस थी वो क्या थी? अनलोडिंग। क्या थी? ये आई समझ में कि नहीं आई, बताओ। अब अपन देखेंगे कि सर डेवलप्ड कैसे करते हैं फिल्म को, ठीक है। इसका एक अलग टॉपिक है अपना। क्या है टॉपिक अपन जब आगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे मैनुअल, और एक तो कौन सी होती है अपनी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, और एक कौन सी होती है बताई नहीं तुमको पहले? ऑटोमेटिक। कौन सी? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में फिल्म प्रोसेसिंग और मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। उसमें क्या करते हैं अपन, जो डार्क रूम होता है अपना, डार्क रूम में क्या होते हैं? अलग अलग डिब्बे होते हैं। इनमें क्या होते हैं? सॉल्यूशंस भरे होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशंस भरे होते हैं। उसमें से पहले अलग डिब्बे में डालेंगे, फिर उसमें जो प्रोसेस हो जाएगी, फिर नेक्स्ट में जिनके नाम होते हैं डेवलपर, फिक्सर, रिंजर और फिक्सर, इनके बाद अपन फ्रेशर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इनको प्रोसेस करके फिर फिल्म को क्या रख देते हैं? सुखाने के लिए रख देते हैं। और फिल्म सूख जाएगी फिर क्या करेंगे अपन? डॉक्टर को दे देंगे, पेशेंट को दे देंगे वो डॉक्टर को। अब आई के नहीं आई समझ, लोडिंग और अनलोडिंग आई के नहीं आई समझ में? आ गई समझ में लोडिंग और अनलोडिंग? अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे कैसेट को सेफ कैसे रखा जाए। क्या देखेंगे अपन? कैसेट की सेफ्टी देखेंगे। क्या देखेंगे? सेफ्टी। तो क्या देखेंगे अब अपन? देखेंगे सेफ्टी ऑफ कैसे सेफ है। सबसे एक बात, कैसेट को रफ हैंडलिंग से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? रफ हैंडलिंग। रफ हैंडलिंग मतलब कहीं भी उसका हाथ लगा दिया, कैसे भी पटक दी वो, उससे बचाएंगे। पहली बात क्या थी? अवॉइड फ्रॉम रफ हैंडलिंग। अवॉइड फ्रॉम क्या है? एक अपन कैसेट को सीधा नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? दीवार से टच करके। जैसे अपनी ये क्या है, ये अपनी क्या है? कैसेट है, ठीक है। कैसेट को अपन कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे सीधी पटक दी। क्या करेंगे? जैसे कोई दीवार है तो इससे ऐसे टच करके रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगी,
जो अपनी कैसेट है उसमें स्क्रैच, जैसे अपन ने कैसेट सीधी रख दी यहाँ पे, तो जो नीचे की जो अपनी सरफेस होगी इस पर क्या आ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, इसलिए अपन सटा के रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, सटा के रखेंगे। नंबर दो बात, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ कैसेट, कैसेट को डेली क्या करेंगे अपन, साफ करेंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे कैसेट में, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्प्रिट से डेली क्या करेंगे, उसकी स्प्रिट से क्या करेंगे, डेली क्लीन करेंगे, क्या करेंगे, या फिर डेली नहीं करो उसे एक रूटीन बना लो, जैसे हर 3 दिन में, हर 7 दिन में अगर अपन को साफ करना है। तीसरी बात, फेल्ट पैड डू नॉट टियर, फेल्ट पैडिंग डू नॉट टियर, या क्या मतलब है इसका, अपन चेक करेंगे कि जो बीच में अपन ने फेल्ट पैडिंग लगाई थी, क्या लगाई थी, फोम लाइक सबस्टेंस जो लगाया था, वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, फट तो नहीं गया, अगर वो फट जाएगा तो उससे क्या होगा, जो अपनी दोनों लेयर्स हैं उनके बीच में गैप हो जाएगा, और गैप से क्या होगी, उनके बीच में रफ हैंडलिंग हो जाएगी, गैप से क्या होगा, स्क्रैच आ जाएंगे, और उससे अपनी इंटेंस फिनिशिंग क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये आई समझ में कि नहीं आई। कैसेट क्या है, कैसेट एक रिजिड होल्डर है, क्या है कैसेट एक रिजिड होल्डर, इसलिए अपन को इससे सेफ रखना पड़ता है, किसको, एक्सरे फिल्म। ये आई समझ में कि नहीं आई कैसेट, बताओ ये आई समझ में कि नहीं आई कैसेट, हैंडलिंग ऑफ कैसेट या फिर अवॉइड फ्रॉम रफ हैंडलिंग से अपन कैसेट को कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, जब अपन कैसेट को खोलें, तीसरी बात, अगली बात, कैसेट को जब अपन ओपन करें तो ओपन कैसेट कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ओपन कैसेट करके कभी भी नहीं रखें, इससे क्या होगी, अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस पर मट्टी जमा हो सकती है। ठीक है, इस पर अगर किसी ने भी हाथ लगा दिया तो उसे स्क्रैचिंग आने के बाद वो ख़राब हो सकती है, इसलिए अब कभी भी ओपन नहीं रखें, क्या नहीं रखें, कैसेट को कभी भी अपन को ओपन नहीं रखना है। ये आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ। ठीक है, कैसेट को कभी भी अपन को, ये सब बातें आपको मैंने जो भी ये बातें बताई हैं ना, एक एक पॉइंट बना के अपन को एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, क्या लिखानी है, एक एक पॉइंट बना के अपन को एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, ये आ गई समझ में। अब अपना जो नेक्स्ट हो, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैसेट, कि कैसी कैसी कैसेट अपने यूज में लेते हैं, कहाँ अपन कैसेट यूज में लेते हैं, कौन सी कैसेट कहाँ यूज में लेते हैं, कौन सी कैसेट कहाँ यूज में लेते हैं। अपन अगर कैसेट की साइज देखें, क्या देखें, कैसेट की साइज तो घनी है, क्या घनी साइज मतलब बहुत ज़्यादा साइज है, लेकिन अपन जो नॉर्मली यूज में लेते हैं वो 3 से 4 टाइप की कैसेट हैं, जो कि नॉर्मल अपने एक्सरे डिपार्टमेंट है हर जगह मिलेंगी। कौन कौन सी साइज हैं, जैसे कि 8-10 की, 8-10 की, क्या हाँ, हैंड का अपना जो एक्सरे लेंगे ना अपन, वो 8-10 कैसेट में अपना आ जाएगा आराम। ठीक है, ये कैसेट से, ठीक है, दूसरा अपना 10-12, 12-14, 12-15, 14-17, ये जो अपनी 4 से 5 कैसेट्स हैं, ये अपन नॉर्मली जो एक्सरे टेक्नीशियन से वो यूज में लेते हैं। ये कैसेट की साइज आएगी समझ में, नहीं है, ठीक है, ये अपन कैसेट की साइज यूज में। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, कैसेट के टाइप्स कौन कौन से, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैसेट क्या पढ़ेंगे, अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैसेट। अपन हर एक बॉडी पार्ट के हिसाब से क्या लेते हैं, कैसेट का टाइप देख लेते हैं। जैसे अपन हैंड का एक्सरे लेना है अपन, तो जो अपनी फ्लैट जो कैसेट है, क्या है, जो अपनी फ्लैट कैसेट है, उस पर हैंड रख के आ जाएगा, लेकिन अपन को लेना नी जॉइंट का, क्या लेना है, एक्सटेंशन कंडीशन में लेना नी जॉइंट का, कैसे लेना है, एक्सटेंशन कंडीशन में नी जॉइंट का। तो नी जॉइंट अपना कैसे होगा, ऐसे रहेगा, अब अपन सीधा तो ले लेंगे, लेकिन अगर उनको फ्लेक्सिबल करके या फिर बोल लिया फ्लेक्सिबल करके लेना, तो कैसे लेंगे अपन, कैसेट तो क्या होगी, सीधी आएगी, इसमें मुड़ेगी तो इतनी कैसेट, तो उसके लिए एक स्पेशल डेवलप्ड कैसेट बनाएं, क्या बनाएं, स्पेशल डेवलप्ड कैसेट, जिसको क्या बोला आपने, कर्व्ड कैसेट, क्या बोला, नंबर एक कौन सी थी, कर्व्ड, कर्व्ड कैसेट, कैसे, जैसे अपन नी का लेना है, क्या लेना है, नी का जॉइंट लेना, कर्व कर दिया, हाँ क्या कर दी, इसमें नी फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, फिट होगा कि नहीं होगा, इसमें नी नहीं हो जाएगा यहाँ पर फिट, इसमें ये क्या होगी अपनी कर्व्ड कैसेट। तो कर्व्ड कैसेट क्या लिखेंगे अपन, कर्व्ड कैसेट क्या लिखेंगे, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कैसेट विच इज डेवलप्ड फॉर द स्पेशल रेडियोग्राफ और स्पेशल बॉडी पार्ट। ठीक
ठीक है, एक स्पेशल बॉडी पार्ट्स के लिए जिसका अपन प्लेन कैशीट में अपन नहीं ले सकते, उसमें क्या लिखेंगे, कर्ब कैसेट में लेंगे। एक अपनी कैसी है कैसेट विद फिल्म सेंसर, दूसरी अपन देखेंगे कैसेट विद फिल्म सेंसर, क्या है कैसेट विद फिल्म सेंसर, फिल्म सेंसर क्या है अपन देखेंगे। अभी तो अपन नॉर्मल एक्सरे लेते हैं कोई भी बॉडी पार्ट, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स को क्या जरूरी पड़ जाती है, रेगुलर रेडियोग्राफ हर एक बॉडी पार्ट्स के, रेगुलर रेडियो इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अपन रेगुलर इतने कैसे ले सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, कैसेट विद फिल्म सेंसर अपनी हो जाती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो कैसेट होती है उसमें क्या होगी, एक तरफ कैसेटों का स्टोरेज रहेगा, क्या रहेगा, एक तरफ कैसेटों का क्या रहेगा, जैसे कि देखो ये अपन ने क्या, जैसे कि अपन ये एक्सरे टेबल है, क्या है एक्सरे, ये अपना पेशेंट माना, क्या है अपना पेशेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ अपनी क्या होगी कैसेट लगी हुई होगी, ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे कई फिल्मों का क्या लगा रह देंगे, स्टोरेज कर देंगे, किन का, फिल्म्स का स्टोरेज कर देंगे। इसके बाद क्या होगी, अपन को रेगुलर अगर एक्सपोज करना होगा फिल्म, तो ये कैसेट क्या करेगी, इस फिल्म को लेगी, क्या करेगी, इस फिल्म को लेगी, एक्सपोज करेगी, नीचे भेज देगी, क्या कर देगी, या फिर आगे भेज देगी, दूसरी कैसेट लेगी, फिल्म लेगी, इसको एक्सपोज करेगी, आगे भेज देगी, तीसरी फिल्म लेगी, इसको एक्सपोज करेगी, आगे। ये क्या हुई, कैसेट विद फिल्म सेंसर, क्या हुई कैसेट विद, ये आई समझ में कि नहीं आई, हाँ ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, अपन को हाथ से नहीं लगा। अब तो ये जो डार्क रूम प्रोसीजर है ना, ये भूतपूर्व जमाने का प्रोसीजर था, किस क्या बोलते थे अपन को, आजकल बिल्कुल ये यूज में नहीं लिया। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये किस में होगी, फ्लोरोस्कोपी जब अपन करते हैं ना, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, क्या है ये, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, फ्लोरोस्कोपी अपन करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है पूरी बॉडी पार्ट, एंजियोग्राफी में भी अपन यूज में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होगी, अपने आप कैसेट लेगी, इसीलिए तो उसका नाम कैसेट विद फिल्म सेंसर रखा है, अलग करके तो अपन ही रख देते उस नॉर्मल कैसेट का, नहीं रख देते क्या, बताओ, ये आ गई समझ में कि नहीं आई, बताओ, कैसेट विद फिल्म सेंसर। अपनी नई एक अगली कैसेट है, कैसेट विद फोटो टाइप, क्या है, क्या है, कैसेट विद फोटो टाइम, अपन को नाम से ही पता चल रहा है टाइमर, क्या नाम से पता चल रहा है कि मतलब इसमें टाइम का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, अपन चाहते हैं कि एक फिक्स जो अपनी रेडिएशन एक्सपोज करते हैं, अपन चाहते हैं कि आधी सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर चलती रहनी चाहिए, तो अपन उसमें क्या करते हैं, फिक्स टाइमिंग कर देते हैं, क्या है, टाइम फिक्स कर देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं कि इतने टाइम के बाद जो अपनी क्या होगी, फिल्म एक्सपोज होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फिक्स टाइमिंग होता है अपना। और इसमें क्या लगे होते हैं, माइक्रो स्विचेस, जो कि जो अपन ने टाइम उसमें ऐड किया था, सेव किया था, वो टाइम होते ही क्या कर देंगी, स्विच ऑफ हो जाएंगी और अपना एक्सपोज बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपोज बंद हो गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, टाइम जो फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी अपनी एक्सपोजिंग बंद हो जाएगी। तो ये कौन थी, कैसेट विद फोटो टाइमर, फोटो लिया अपन ने और टाइमर अगर खत्म हो गया तो उससे खत्म हो जाएगी, ये आई कि नहीं आई समझ। अगली अपन कैसेट है भाई साहब, कौन सी, फ्लेक्सिबल कैसेट, क्या है, फ्लेक्सिबल कैसेट्स अपनी कहाँ यूज में होती हैं, कैसे यूज में होती हैं, फ्लेक्सिबल कैसेट अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज में होती हैं, कहाँ होती हैं अपनी, इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में कैसे कब यूज होंगी, कैसे यूज होंगी, जो अपन ऑयल फैक्ट्री नहीं होती, ऑयल फैक्ट्री, तेल और पेट्रोल फैक्ट्री, इन फैक्ट्रियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती हैं, और उन पाइपलाइन कहाँ जाती हैं, ज़मीन के अंदर होके, किधर से होके जाती हैं, ज़मीन के अंदर होके। अब माना कि उन पाइपलाइंस में क्या आ गया, लीकेज आ गया, क्या आ गया, लीकेज आ गया, तो क्या पूरी पाइपलाइन को खोदेंगे, पाइपलाइंस तो ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में है, रूस से पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन इंडिया आती है, इंडिया से पाकिस्तान,
और पाकिस्तान तो खैर भेजते ही नहीं अपना तेल वेल, कोई भी आयात निर्यात नहीं है, लेकिन और भी कहीं अदर कंट्रीज है जैसे श्रीलंका जाती है, ठीक है, अपनी ऑयल फैक्ट्री लंबी लंबी, तो अगर लीकेज हो गया कहीं तो अपन क्या पूरी तो खोद नहीं सकते उसको, उसमें क्या करते हैं अपन रेडिएशंस का यूज़ करते हैं देखने के लिए, किसका यूज़ करते हैं रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, और उन रेडिएशंस के लिए जो कैचेट यूज में होती है वो क्या होती है फ्लेक्सिबल, उसको कैसे भी मोड़ के करके किसका हाँ तो किससे दिखेगा वो रेडिएशन, फोटो लेंगे अपन उसका सेम ऐसे कहते हैं इसी में इंडस्ट्रियल एरिया में ही अपनी ये कैसेट यूज में होती है, ठीक है, प्रेशर से तो अपन प्रेशर का तो पता कहाँ चलेगा, अंदर कैसे प्रेशर का पता चलेगा बताओ, लीकेज होगी तो अपन इसमें यूज में ये आया कि नहीं शायद उन्होंने। अगली है अपनी ग्रिडेड कैसेट, क्या है ग्रिडेड कैसेट, ये अपन बहुत कम यूज में लेते हैं, ये थोड़ी क्या आती है एक्सपेंसिव होती है, क्या होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है इसलिए अपन इसमें कम यूज में लेते हैं। अगली कैसेट अपनी रेयर कैसेट, क्या होती है ये टाइप समझ में आए कि नहीं आए कैसेट, अपन ने कितने टाइप की कैसेट पढ़ी, पहली कौन सी पढ़ी अपन ने कार्ड कैसेट, कैसेट विद फिल्म चेंजर, कैसेट विद फोटो टाइमर, फिर अपन ने कौन सी पढ़ी फ्लेक्सिबल ग्रिडेड और रेयर, छह टाइप की कैसेट, ये अपन को एक एक करके और इनमें जो भी मैंने बातें बताई वो अपन को लैंग्वेज बना के लिख देंगे, क्या लिख देंगे ये आई बात समझ में कि नहीं आई, तो आज अपना एक कैसेट जो टॉपिक है ये क्या है कंप्लीटेड है, फंक्शनिंग ऑफ कैसेट भी अपन इसमें लिख सकते हैं, एक टॉपिक आएगा फंक्शनिंग ऑफ कैसेट, क्या फंक्शनिंग ऑफ कैसेट, मैंने पूरी कैसेट की आपको जब मैं पढ़ा रहा था ना पूरी फंक्शनिंग बता दी, लेकिन तुम्हारे समझ में क्या लिखना है फंक्शनिंग ऑफ कैसेट में लिखना क्या है, क्या लिखना है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कैसेट में बता चुका हूँ क्या लिखना है अपन को, देखो जो डायग्राम था अपना वो डायग्राम बनाना है अपन को कैसेट की, जो स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी मैंने वो सारी स्ट्रक्चर बतानी है, स्ट्रक्चर के बाद अपन को बताना है सबसे पहले कहाँ गिरेंगी जो अपने एक्सरे फोटॉन्स होंगे वो सबसे पहले गिरेंगे अपने लोअर एटॉमिक नंबर जो लेयर थी वो क्या थी एल्यूमिनियम या कार्बन जो लेयर थी उस पर गिरेंगे, उसके बाद जो लो एनर्जी है रेडिएशन से वो क्या हो जाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो पूरी प्रोसेस होगी उसके बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे गिरेंगे वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगी, लाइट फोटोन से एजीबीआर पे जाएंगे एक्सरे कर देगी, जो भी रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशंस थे वो क्या करेगी जो अपनी बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो क्या कर देगी उनको बैक दे देगी, तो पीछे से भी ये क्या हो जाएगी एक्सपोज हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी फॉर्मलैक सबस्टेंस उससे होकर निकल जाएगी सीधी, और जो बिना काम की जो रेडिएशन थी जो इसके बाद भी जो रेडिएशन बची वो किसके द्वारा है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसके इस प्रोसेस से क्या होगी जो अपनी फिल्म होगी उस पर क्या बनेगी लेटेंट इमेज बनेगी, क्या बनेगी लेटेंट इमेज का मतलब क्या होता है लेटेंट यानी इनविजिबल, क्या बनेगी इनविजिबल का मतलब क्या होता है अदृश्य, अपन ने एक्सपोज तो कर दिया लेकिन अब इस कंडीशन में अगर अपन फिल्म को देखेंगे तो उसमें कोई इमेज दिखाई नहीं देगी अपन को, क्या नहीं देगी कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, इसके बाद क्या करेंगे अपन लेटेंट इमेज बनेगी, क्या अदृश्य इमेज, फिल्म पे कोई इमेज अपन को दिखाई नहीं देगी लेकिन फिल्म क्या हो गई एक्सपोज हो गई, जब एक्सपोज फिल्म को अपन डार्क रूम में ले जाएंगे और डार्क रूम में जब अपन इसको प्रोसेस करेंगे तो अपन को इमेज धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी, ये पूरा डार्क रूम समझ में आ गया आपके और कैसेट की जो प्रोसेस थी वो समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आई के नहीं आई अपन की प्रोसेस समझ में कैसे थी, ये अपना एक 20 नंबर, अगर आप जो मैंने सिस्टम से जो मैंने बोले थे क्या बोला था सबसे पहले, क्या बोला था सबसे पहले नंबर एक अपन को पहले डेफिनेशन लिखा, क्या लिखनी है डेफिनेशन ऑफ कैसे, एक में पूरी लाइन बताना क्या क्या लिखना है अपन को पहले, उसके बाद अपन को क्या लिखना है उसके बाद क्या लिखना उसी हिसाब से अपन को पूरा पेपर करना है, ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या लिखनी है डेफिनेशन लिखनी है कैसेट की, क्या लिखनी है कैसेट की डेफिनेशन, उसके बाद अपन लिखेंगे क्या स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे मैंने स्ट्रक्चर बताई थी सिक्स लेयर
स्ट्रक्चर लिखनी, स्ट्रक्चर बनाने के बाद पर स्ट्रक्चर का क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। उसके बाद अपन क्या लिखना है स्ट्रक्चर की, एक स्ट्रक्चर में पहली लेयर क्या थी अपन ने, फर्स्ट लेयर लिख के फर्स्ट लेयर में लिख देना है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन या एल्यूमिनियम। दूसरी लाइन अपनी क्या बनी, इट इज मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल, क्या बनी। तीसरी लाइन क्या बनी, इट एब्जॉर्ब द लो एनर्जी एक्सरे। ये आई की समझ, तीन से चार लाइन पर उसमें लिखनी है अपन को, पर लेयर में तीन से चार लाइन लिखनी ऐसे ही। उसके बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर, इट कन्वर्ट एक्सरे फोटोन इनटू डबल लाइट फोटोन, ये सारी लाइंस क्या लिख देनी है अपन को, इसमें लिख देनी है। आई की नहीं आई समझ में बताओ, ये कैसे आ गई समझ में। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद अपन को लिख देना है क्या, टाइप ऑफ कैसे, क्या मैंने जो भी छह टाइप आपको लिखाए थे वो क्या लिख देनी है अपन को, टाइप्स ऑफ कैसेट लिख देनी है। उसके बाद अपन को लिख देना है क्या, हैंडलिंग मतलब अवॉइड फ्रॉम, जो मैंने सेफ्टी बताई थी, सेफ्टी जो क्या लिख देनी है कैसेट की सेफ्टी। फंक्शन लिख देना है कैसेट क्या क्या काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग को अपन फंक्शन से पहले भी लिख सकते, ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग, और उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ कैसेट क्या क्या काम अपन ने, अगर ऐसे स्टेप से डायग्राम अगर आप साफ सुथरे बना के अगर लिख दोगे क्या होगा, 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर तो फिर भी नहीं देते, ये आरपीएम सी है, ठीक है, लेकिन अपन को 15 से 16 नंबर आराम से मिले अगर तुम्हें सिस्टम से लिख देते। ये आया कि नहीं आया समझ में बताओ, आ गया समझ में। इसी के साथ अपना क्या होता है, एक्स कैसेट जो है वो क्या होती है अपनी, ख़त्म होती है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पढ़ोगे, और जो अपने साथ जो भी नहीं आ रहे हैं उनको क्या कह देना है कि लास्ट टाइम है, अब पढ़ लो नहीं तो पछताओगे, क्या करोगे, पछतावने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज अपन इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार साथियों।